सोशल मीडिया पर एक लड़के के लिए हल्ला मचा रहे हैं देश के पूर्वोत्तर के लोग। इंडियन आइडल सीजन 13 में रितु रेवा जजेस को पसंद होने के बावजूद सिलेक्ट नहीं होने से नाराज नोटिस लोग। जतनु धूप लगे आवे तो मैं छाव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। सच में सस्ते टीआरपी के लिए रियलिटी शो में असली टैलेंट बाहर हो जाते हैं। नुक निक सी दे दे को निगला दे को। कौन है ये रितु रेवा, कब होगा असली टैलेंट का पहचान? आइए देखते हैं आसम फ्लैश डिस्को रिवाइन का एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रिया, आप सभी को नॉर्थ ईस्ट स्पेशल में स्वागत करती हूं। सोशल मीडिया में हल्ला मचा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग। जिस समय रियलिटी शोज ने ढेर सारे सपनों के उड़ान भर रहे हैं, उस समय अरुणाचल प्रदेश से इंडियन आइडल 13 में हिस्सा लेने वाला एक कंटेस्टेंट रितु रेवा के लिए देश भर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आवाज उठ रहे हैं। रितु की सुरीली सुर ने जजेस को बहुत सारा इंप्रेस किया था, लेकिन इसके बावजूद इंडियन आइडल थिएटर राउंड से बाहर होने के कारण क्या है, उस मामले के बहुत सारा चर्चा हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हरे भरे पहाड़ों से भरा अरुणाचल प्रदेश पासीघाट में रहने वाला एक बहुत ही टैलेंटेड यंग स्टार, जिसने बहुत कम समय में लोगों के दिल में जगह बना लिया है। पहले अपनी जगह में पहचान बनाने वाला रितु ने अपने मंजिल ढूंढने के लिए गए हैं इंडियन आइडल सीजन 13 में। मैं तेरा राजा करता हूं, मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है। लेकिन अपनी गायकी से सबको दिल चुने के बावजूद रितु को नहीं मिला टॉप में लिस्ट। शुरुआत में ही विवादों से गिर गया है देश का नंबर वन सिंगिंग शो। पहले कुछ साल भी किसी ना किसी विवादों से भरा इंडियन आइडल आगाज हो चुका है। 2014 में रितु ने अपने ही करियर स्टार्ट किया था उसका यूट्यूब चैनल से, लेकिन 2021 से उसका जो सिंगिंग का जो सपना था, उस सपने के लिए मुंबई आया अलग अलग सिंगिंग का ऑडिशन देने के लिए। रितु एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, और जो उसके आवाज़ में एक सुरीलीपन है, उसके आवाज़ में एक पहाड़ी गूंज है, उसके आवाज़ में एक दम है। रितु एक सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छे कंपोजर भी है। उसकी आवाज में एक पहाड़ी धुंध है जो नदियों की तरह बहता है। अपने ट्रेडिशनल अटायर में गिटार लेकर उन्होंने जोर सुर लगाया है देश के बड़े मंच पर। सब विदा हो गई थी उसके सुर पर, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद पूर्वोत्तर का इस लड़के के साथ क्यों ऐसा हुआ, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तेरा राजा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है। रितु ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ा है। ईश्वर ने उसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक रास्ता, एक मंजिल तय करके रखा है कि जिसको पाने के लिए वो बेकरार है। वो बहुत ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव एक मन लेकर आगे बढ़ रहा है। रितु का पॉजिटिविटी और हौसला बरकरार रखने के लिए असम के रियलिटी शोज विनर होनहार सिंगर सुवासिस ने ऐसे कुछ बोला उनके बारे में। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी दोस्तों, सकल के नमस्कार जानू। आई एम सुवासिस गोस्वामी, सिंगर सॉन्ग राइटर एंड कम्पोजर ऑफ जोरहाट असम नॉर्थ ईस्ट। आई हैव कम टू द मेन पॉइंट डायरेक्टली। द नेम ऑफ रितु रेवा, द पॉइंट इज रितु रेवा, ये नाम तो एक दिन बहुत चर्चा आसे, इन दिनों बहुत चर्चे में है रितु रेवा का नाम। मैं हिंदी में बोल लेता हूँ, हिंदी में बोलने से नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी।
रितु डिब्बा, ये नाम जो चर्चे में है इसलिए चर्चे में है, आप लोग सभी जानते ही है, इंडिया का एक फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल, इंडियन आइडल के टॉप 14 में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश का रितु डिब्बा बहुत ही एक अच्छा, नॉट ओनली ही इज सिंगर, ही इज ए सिंगर, ही इज ऑल्सो ए कंपोजर, ए डायरेक्टर, एवरीथिंग। एक्चुअली इतना ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर, मतलब भर भर के उनके अंदर है। ये टैलेंट सभी लोगों के पास नहीं होता है, सभी लोग गाना भी गाते हैं लेकिन गाने के साथ ऑन द स्पॉट एक गाना मतलब कंपोज कर देना, ये बहुत बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन फिर भी रितु डिब्बा का सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग जजेस का डिसीजन भी बहुत बहुत अच्छी तरह से, उन लोगों का डिसीजन भी हम लोग मतलब मानते हैं, उन लोगों का डिसीजन एक्सेप्ट करते हैं। वी ऑल एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ जजेस। मैं भी एक रियलिटी शो में, एक छोटा मोटा रियलिटी शो आसाम का, उसमें भाग लिया हुआ हूँ पहले, नॉट दैट रियलिटी शो, मतलब इंडियन आइडल जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं भी बोल रहा हूँ। मतलब जजेस का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है उन लोगों का, एंड वी ऑल रेस्पेक्ट द डिसीजन, बट वो बात अलग है। रितु डिब्बा का जो टैलेंट है वो टैलेंट एक्चुअली मतलब पूरा इंडिया में, पूरा नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में एक्सपोज होना चाहिए। सिर्फ रितु डिब्बा ही नहीं, रितु डिब्बा के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अंदर अंदर घुसे हुए हैं, बहुत गांव के अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन उनका टैलेंट एक्सपोज नहीं हो पाता है। और इंडियन आइडल जैसे शो ही रितु डिब्बा जैसे लोगों को बाहर लाते हैं, और उन लोग का जो एक टैलेंट है वो टैलेंट एक्सपोज होता है पूरे उस शो के वजह से ही, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज होता है। तो हम लोग भी अपने दिल से चाहते हैं कि रितु डिब्बा फिर से इंडियन आइडल में वापस आए और पूरे वर्ल्ड में छा जाए। यही मेरा मतलब इंडियन आइडल के पूरे जजेस को, मेरे तरफ से, पूरे नॉर्थ ईस्ट के तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, रितु डिब्बा को फिर से हम लोग मतलब इंडियन आइडल के जैसे शो में, इंटरनेशनल शो में, इंटरनेशनल लेवल में देखना चाहते हैं। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू रिया एंड आसाम प्लस फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटिफुल टॉक शो। थैंक यू एवरीवन। जय अहम। हमें उम्मीद है रितु का टैलेंट और तकदीर एक ना एक दिन उसको पहाड़ों से आसमान तक ले जाएंगे। वी ऑल लव यू ब्रदर रितु डिब्बा एंड हैव ए गुड फ्यूचर। गॉड ब्लेस। कभी चुपते नहीं है, वह किसी ना किसी एक दिन लोगों के सामने आते ही है। इंडियन आइडल उसके लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, तकदीर में क्या लिखा है किसको पता है। हमें उम्मीद है रितु का जो टैलेंट और तकदीर है एक ना एक दिन उसको बहुत सारा सक्सेस मिलेंगे। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্ল্যাশ, ডিস্কভার ডিভাইন।